जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 11 का टॉपिक नंबर 1 समुच्चय के अंतर्गत हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली और आज इसकी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में देना है। तो इसका रोस्टर रूप में देना है, इसका मतलब कि हमें पहले इसका सॉल्यूशन निकाले। तो देखिए, इक्वेशन है x² + x - 2 = 0। तो हमने 10th में गुणनखंड विधि पढ़ी थी, पहली और अंतिम संख्या का गुणा a × 2 कितना आया है 2। ऐसा पावड़ा बोलो के गुणा करने पर 2 और उनको जोड़ने पर क्या है 1। तो क्या होगा x² 2 − 1 = 2 = 0। मैंने गुणनखंड कर दिया। अब वो चार पद में से कॉमन, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ बन गया x + 2। x² में से एक बार आ गया, एक x बच गया, ये बार आ गया, ये बन गया x + 2। माइनस कॉमन ले लो 1, तो ये बन गया x + 2 = 0। अब देखिए, इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया x + 2, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -1 = 0। अब देखिए, x + 2 = 0 या x - 1 = 0, then x उधर जाएगा तो -2 और x = 1। तो वैल्यू आई 1 और -2, तो उसको कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। हम जानते हैं कि रोस्टर रूप क्या होता है, मंजिला कोष्ठक के अंदर इन अंकों को लिखना और उसके बीच में अर्धविराम का निशान लगाना। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्या है समीकरण का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के साथ इसका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, एक समुच्चय दे रखा है सेट बी, एक समुच्चय दे रखा है सेट बी, y such that y अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये कौन सा है समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, b = y such that y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का रोस्टर रूप है। समुच्चय रूप दे रखा है, का पूछ रहा है, का रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन b = अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर यानी वोवल्स क्या है, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, ये क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समुच्चय a, क्वेश्चन नंबर 3 समुच्चय a, 1, 4 क्वेश्चन, समुच्चय 1, 4, 9, 16, 25 समुच्चय ये दे रखा है आपका 1, 4, 9, 16 और 25 का समुच्चय निर्माण रूप होगा, का समुच्चय निर्माण रूप होगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अब ये क्या 1, 2, 9, 16, 25, तो आप इसको गौर करो ये है क्या, ये है वर्ग संख्या, 1² 2² 3² 4² 5² ... ये क्या है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो इसका क्या होगा, हमें समुच्चय निर्माण चाहिए, तो a = लिखेंगे x such that x एक प्राकृत संख्या का वर्ग, जो कहां से शुरू हो रहा है 1 से, एक प्राकृत संख्या का वर्ग, इसमें चार ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से इसका ये उत्तर होगा, एक प्राकृत संख्या का वर्ग क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग, ये है इस तीसरे का सॉल्यूशन। इसमें चार ऑप्शन है उसमें से ये सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा अपरिमित है, कौन सा अपरिमित है? आपके चार ऑप्शन ए दे रहे हैं, ए बी सी और डी। तो बोल रहा है कौन सा